नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल खत्री डेयरी फार्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में दो पशु बिक्री के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं हितेश सर, जो कि इनका एड्रेस है वो शहर गज सिंहपुर, डिस्ट्रिक्ट श्रीगंगानगर, स्टेट राजस्थान। पहले नंबर पर आप जो गाय देख रहे हैं HF क्रॉस ब्रीड की गाय है, तीसरी बार ब्याने वाली है। ब्याने में अभी जो है हफ्ता 10 दिन इसका समय जो है इसका बाकी है, और 22 लीटर दूध जो है इसने दूसरे ब्यास में दिया है। अगली बार तीसरी बार ब्याएगी तो 22 से प्लस जो है दूध क्षमता की बार इसकी रहेगी। लेवटी की जो क्वालिटी है वो आप देख सकते हैं, भारी भरकम लेवटी, और चारों थनों की जो क्वालिटी है वो दूर दूर थन है, मुट्ठी के आकार के थन देखने को मिल रहे हैं। छोटे सींग भी है। शांत स्वभाव की गाय है, क्रॉस ब्रीड की, प्योर HF नहीं है, HF क्रॉस ब्रीड की ये गाय है। कीमत इन्होंने इसकी जो है 45,000 रुपये डिमांड की है, जो कि 7 राज्यों में ट्रांसपोर्टेशन के साथ इसकी एक कीमत है। जहाँ जहाँ किराया नहीं लगेगा वो राज्य राजस्थान, दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू, ये 7 राज्य है, इनमें किराया आपको एक पैसा भी जो है नहीं देना है। बाकी जो भी पशुपालक भाई खरीदता है वो जा करके इनके फार्म पर आप विजिट करके तसल्ली से जांच परख करके आप यहाँ से पशु खरीद सकते हैं। हर समय 10 से 15 पशु जो है इनके फार्म पर आपको बिक्री के लिए उपलब्ध जो होते हैं वो मिल जाएंगे। आपको हर तरह का पशु जो है आप यहां से खरीद सकते। देसी गायों में भी आपको राठी, साहिवाल, थारपारकर, इस तरह की गाय आपको देखने को मिल जाएगी, और क्रॉस ब्रीड HF जर्सी गाय भी जो है आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। तो जिस तरह के पशु की आपको ज़रूरत है आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, और जांच परख करके आप इनके फार्म से पशु खरीद सकते हैं। काफ़ी जो है अच्छा पशु जो है रखते हैं, और जायज़ कीमत पर जो है आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। ये भैंस जो है अभी लगभग 20 से 25 दिन की ब्याई हो चुकी है, साथ में इसके फीमेल काफ कटड़ी को इसने जन्म दिया है। 10 से 11 लीटर दूध अभी मौके पर तैयार है। जो भी भाई खरीदना चाहता है वो इनसे संपर्क कर सकता है। नंबर इनका नीचे दिया गया है, जिन पर आप व्हाट्सएप के थ्रू या डायरेक्ट कॉल करके आप बात कर सकते हैं, और ज़्यादा जानकारी इन दोनों पशुओं के आप इनसे ले सकते हैं। जो भैंस आप देख रहे, तीसरे ब्यात में इन्होंने बताया कि तीसरे ब्यात ब्याई है, गोल सींग है, थोड़ी कमज़ोर जरूर है, आपको जो है कमज़ोर जरूर देखने को मिलेगी। दूध जो है 10 से 11 लीटर मौके पर तैयार है। जिस पशुपालक का थोड़ा बजट कम है, कम जो है कीमत की अगर आप भैंस खरीदना चाहते हैं तो आपको जो है 10-11 लीटर दूध इसमें मिल रहा है, और कीमत जो है इन्होंने इसकी 55,000 रुपये डिमांड की। 7 राज्यों में किराया आपको नहीं देना है, तो आप देख सकते हैं काफ़ी कम बजट की जो है भैंस यहाँ पर आज ये बिक्री के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं, जिसमें कि दूध 10+ जो है अभी मौके पर तैयार है, तीसरी बार भी आई, साथ में भी कटड़ी है। अगर आपका बजट कम है, साथ में आपको भैंस भी बढ़िया मिल रही है, और दूसरा कीमत कम है, साथ में कटिया भी है, कटड़ी फीमेल काफ जो है जिसको आप पाल करके आगे और भैंस जो है तैयार कर सकते। सभी पशुपालक को जो है इतना बजट नहीं होता है कि वो 1-1.5 लाख रुपए लगा करके कोई अच्छी जो है दूध की जोटी ले सके। तो जिन भाइयों का कम बजट है उनके लिए ये भैंस आज ये बिक्री के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं। जो भी पशुपालक भाई खरीदता है वो 2 टाइम 4 टाइम मिल्किंग करके देख सकता है, जितना दूध बताया गया है। अगर दूध पूरा निकलता है तो आप खरीद सकते हैं, अगर नहीं निकलता तो आप ना खरीदे। जांच परख आप पूरी करें लेने से पहले, चाहे किसी भी फार्म की, किसी भी जो है किसान की मैं वीडियो डालूं, आप जांच परख पूरी करके खरीदे, जिसमें दूध की जो मिल्किंग इन्होंने वीडियो दिखाई है इसमें आप सिर्फ ये देख सकते कि धार वगैरह पाउच किस तरह का है भैंस का। इसमें जो दूध दिखाया गया आप उसको ना माने, इससे लगा आप 2 टाइम 4 टाइम मिल्किंग करके देख सकते हैं, साथ में फीमेल काफ आप देख ही सकते हैं। 20-25 दिन की इन्होंने बताया कि ब्याई हो चुकी है, 55,000 रुपये कीमत है। तो जो भी पशुपालक भाई चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप जाकर के जांच परख करके आप खरीद सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर इनके नीचे दिए गए हैं, जिन पर आप ज़्यादा जानकारी इन दोनों पशुओं के आप ले सकते हैं। वीडियो आज की आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।